जंतु तक। जंतु तक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में है, कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हिस्टोलॉजी प्रयोग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो मेयर ने किया था, मेयर ने। इसके बाद है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो एपिथीलियम ऊतक, इसे एपिथीलियमी ऊतक भी कहा जाता है। शरीर में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, तो एपिथीलियमी ऊतक जो होता है वह घाव भरने में सहायक होता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर, तो तलवा में सबसे मोटी त्वचा होती है। लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है क्या, तो आंसू, लैक्राइमल ग्रंथि से ही आंसू स्रावित होती है। इसके बाद है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक की इकाई है क्या, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन कहलाती है। इसके बाद लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, लिगामेंट क्या, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी बोन को बोन से यानी बीबीएल मतलब बोन को बोन से जोड़ता है कौन, लिगामेंट। तो वही लिगामेंट जो है बोन को बोन यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। एक होता है एमबीटी यानी मसल्स को बोन से जोड़ता है कौन, टेंडन, मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडन। तो एक एमबीटी याद रखेंगे और एक बीबीएल याद रखें, यानी बोन टू बोन एल यानी लिगामेंट, और एमबीटी यानी मसल को बोन से यानी अस्थि मांसपेशिया को बोन यानी हड्डी से जोड़ता है कौन, टेंडन जोड़ता है। वही हो गया, अस्थियों को पेशिया से कौन जोड़ता है, तो यहाँ टेंडन था। इसके बाद है ऊँट का कुंवर जो है किस ऊतक का बना होता है, तो वसामय ऊतक का बना होता है ऊँट का जो कुंवर होता है। सो मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, तो वसा की अधिकता के कारण मोटापा होता है। बायोप्सी संबंधित है, बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी जो होता है जो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है, यानी जिंदा शरीर में किसी के शरीर से कुछ ऊतक को निकाल लिया जाता है परीक्षण के लिए, जांच के लिए, तो वही बायोप्सी होता है। तो बायोप्सी क्या है, तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद है मास्ट कोशिकाएं सेल्स पाई जाती है कहाँ, पाई कौन, तो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, मास्ट सेल कहाँ पाई जाती है, संयोजी ऊतक में पाई जाती है। हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो अस्तनियों के अस्थियों में, यानी जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु है उसके अस्थि मतलब हड्डी में पाया जाता है कौन, हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है कहाँ, स्तनधारी के अस्तनियों के अस्थि मतलब हड्डी में पाया जाता है। इसके बाद है दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत को किस चीज़ का बने होते हैं, तो डेंटाइन के बने होते हैं। इसके बाद दांत के शिखर का किसका बना होता है, मानी दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो चमकीला हिस्सा होता है क्या होता है, वह एनामील का बना होता है। इसको नाभि रज्जु क्या है, यह प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, किसी जीवित शरीर में अगर कोशिका की मृत्यु हो जाता है या ऊतक की मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। इसके बाद है जेनेटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है यानी अनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी इकाई है किस चीज़ का, तो अनुवांशिकी की इकाई क्या है, तो जीन होता है। अनुवांशिकी की इकाई होता है क्या चीज़, जीन की होती है। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं, तो गुण सूत्रों में अवस्थित, गुण सूत्र में जीन पाया जाता है।
सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक का नाम कौन है, किस वैज्ञानिक जीन का संश्लेषण किया, तो हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया। इसके बाद है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वीडल एवं टैटम ने। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, जोहानसन। अभी जो जीन नाम दिया गया, कौन सा वैज्ञानिक दिया जीन नाम, तो जोहानसन ने दिया। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका में पाए जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या होता है, वह डीएनए होता है। इसके बाद है जीन का वर्तमान नाम, वही से पहले वाला क्वेश्चन है कि जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो जोहानसन है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, तो डीएनए होता है। इसके बाद प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया, वाटसन व क्रिक ने प्रतिपादित किया। इसके बाद है माता पिता के गुण उसकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो गुण सूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी, 23 जोड़ी होती है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी यानी 46 गो। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो नर में XY होता है और मादा में XX होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन होता है, तो पिता का गुणसूत्र होता है। पिता के गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है कि लड़का हो या लड़की। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है, तो वर्णांधता जो है लिंग संलग्न रोग है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ, तो निम्न संतानें में क्या होगी, तो आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे। वर्णांध मतलब रंगों में कलर ब्लाइंडनेस वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है, तो वर्णांधता जो है कलर ब्लाइंडनेस है, जो लिंग क्या है, लिंग संलग्न रोग है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो, तो संतान में क्या, वही आधे पुत्र वर्णांध होगा। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना कितना होगा, 0% हो जाएगा। यानी एक वर्णांध पुरुष है, महिला सामान्य है, मतलब महिला वर्णांध नहीं है, तो वहाँ जो पुत्र प्राप्त होगा वह 0% यानी एकदम ठीक ठाक होगा, वह कलर ब्लाइंडनेस का शिकार नहीं होगा। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, लाल रंग हरा दिखाई देता है। इसका उद्विकास यानी इवोल्यूशन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया तो लैमार्क ने समझाया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया किसने, चार्ल्स डार्विन ने। लैमार्क ने क्या किया, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, और जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। इसके बाद उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो ह्यूगो डी ब्रिज है। समरूप अंग कौन होता है, तो समरूप यानी कार्य में समान को समरूप अंग कहा जाता है। एक समजात अंग होता है, समजात यानी रचना में समान,
जिसका संरचना एक समान होता है उसको समजात अंग कहा जाता है, और कार्य कार्य एक समान होता है उसको समरूप अंग कहा जाता है। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखी, डार्विन का लिखा गया। जीवन की उत्पत्ति हुई, सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो जल में, पानी में हुआ था जीवन की उत्पत्ति, सर्वप्रथम पानी में हुआ था। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, तो बंदर है, बंदर निकटतम प्राणी है। मनुष्य में अवशेषी अंग है कौन है, तो कर्ण पल्लव पेशिया जो है अवशेषी अंग है। इसके बाद है जंतु जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया के परजीवी है शो अमीबा को कहाँ रखा जाता है, प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। हारा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हारा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है इवलुइना को हम हारा प्रोटोजोआ कहते हैं। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य के आंत में पाया जाता है। पेचिश या अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है, तो एंट अमीबा है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है, तो प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया बुखार पैदा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, उसी प्लाज्मोडियम से मलेरिया बुखार होता है। इसके बाद है कालाजार जो है उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है, तो लिशमैनिया। कालाजार होता है लिशमैनिया से, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, और कालाजार होता है लिशमैनिया से। निद्रा रोग, निद्रा जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है पैदा करता है, तो वह ट्रिपैनोसोमा से पैदा होता है, कौन, निद्रा रोग। इसके बाद मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी को खोजा था मच्छर में। रोनाल्ड रॉस ने ही पता किया था कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। स्पंजों को के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहा जाता है, ऑस्टिया। एक बड़ा छिद्र होता है, एक बहुत बड़ा छिद्र होता है, एक ही होता है, जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको ऑस्टिया कहा जाता है, और उसी में एक सबसे बड़ा छिद्र होता है उसको ऑस्कुलम कहा जाता है। स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है, वही बड़ा छिद्र जो होता है वो ऑस्कुलम कहलाता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। कोरल रीफ जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है, कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। कोरल रीफ का निर्माण सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। इसके बाद प्रवाल यानी कोरल्स क्या है, प्रवाल भित्ति या कोरल क्या है, तो एक समुद्री जीव होता है जो बिल्कुल कैल्शियम का बना हुआ होता है। इसके प्रवाल क्या है, वही है, एक समुद्री जीव होता है। जेली फिश के नाम से जाना जाता है, तो ओरिलिया को ही जेली फिश कहा जाता है। जेली फिश किसको कहा जाता है, ओरिलिया को ही कहा जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है कौन, तो मैट्रीडियम को समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है कौन, फाइसेलिया के जानता है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया को कहा जाता है। अमृतत्व यानी इमोर्टेलिटी यानी जो नहीं मरने वाला का गुण पाया जाता है किस में, तो हाइड्रा में पाया जाता है। अमृतत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। चिपटे क्रीमी यानी फ्लेट वॉर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, तो प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद फीता क्रीमी
यानी टेप वर्म को किस संघ के एक महत्वपूर्ण कौन किस संघ के एक महत्वपूर्ण प्राणी है, तो प्लेटी हेल्मिंथीज के संघ के प्राणी है। इसके बाद गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, तो नीमैथेल्मिंथीज के अंतर्गत रखा जाता है। नीमैथेल्मिंथीज के अंतर्गत रखा जाता है किसको, गोल कृमि को या सूत्र कृमि को। इसके बाद है फाइलेरिया। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद है केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है, तो हीमोशाइनिन होता है। केचुआ में हीमोशाइनिन रक्त वर्णन पाया जाता है। इसके बाद है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है, तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है, तो स्तनधारी पर। मच्छर का जो लाल होता है उसका अपना वक्त नहीं होता है, वह स्तनधारी यानी मनुष्य या किसी जीव के द्वारा जानवर से जो चूसता है उसके कारण उसका लाल रक्तकण दिखाई देता है। लाह उत्पन्न होती है, लाह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कीटों के शरीर के श्रवण से लाह उत्पन्न होता है। कीटों के शरीर से जो श्रवण होता है उसी से लाह बनता है। इसके रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम भी क्या, रेशम कीट की प्यूपा से मिलता है। रेशम कीट के प्यूपा से रेशम प्राप्त होता है। घरेलू मक्खी की लार्वा क्या कहलाता है, तो मैंगोट कहा जाता है। घरेलू मक्खी जो होता है जिसे माछी कहते हैं, तो घरेलू मक्खी का लार्वा जो होता है उसको मैंगोट कहा जाता है। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। कौन फैलाती है, तो शीशी मक्खी निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। इसके बाद है मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है, तो सैंड फ्लाई से कालाजार रोग फैलता है। इसके बाद है मलेरिया रोग का कौन वाहक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। यानी जिस तरह से मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, उसी तरह से कालाजार का वाहक सैंड फ्लाई होता है। इसके बाद है कटल फिश के नाम से जाना जाता है कौन, सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस क्या है, एक मृदु कवची है। इसका ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितना होता है, ऑक्टोपस मतलब 8 होता है, तो 8 भुजाओं की संख्या हो गया। तारा मछली यानी स्टार फिश निम्न में से किस संघ की प्राणी है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ की होता है। तारा मछली है, स्टार फिश आता है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा होता है। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है, तो इसके हृदय की विशेषता यह है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त ही होता है। मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त ही होता है। इसके बाद है समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किस वर्ग के उदाहरण है, तो मत्स्य वर्ग। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है, मतलब तो मछली जो है, मछली की प्रजाति सबसे ज़्यादा है। सबसे विषैली मछली कौन होता है, तो पशान मछली स्टोन फिश जो होता है सबसे विषैली मछली होती है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। जिस तरह से घरेलू मक्खी का लार्वा मैगेट कहलाता था, उसी तरह से मेढक का लार्वा जो टेडपोल कहलाता है। मेढक के हृदय कितने कक्ष में होते हैं, तो मेढक के हृदय 3 कक्ष में बांटा हुआ होता है। जिसे हम लोगों का मनुष्य का होता है 4 कक्ष में बांटा हुआ होता है, इस तरह से मेढक का 3 कक्ष में हृदय बांटा हुआ होता है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाती है, क्यों, क्योंकि वाक कोष के कारण। नर मेढक में वाक कोष पाया जाता है, नर मेढक में वाक कोष्ठक पाया जाता है। शीत रक्तीय प्राणी क्या है, तो अब मछली भी शीत रक्तीय में आता है, छिपकली भी आता है, और कोल्ड ब्लडेड जिसे कहते हैं, और मेढक भी आता है कोल्ड ब्लडेड में। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी को क्या कहते हैं, तो हाइबरनेशन कहा जाता है। सबसे कम तापमान पर जब निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जैसे मेढक हो गया, छिपकली हो गया, तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसके बाद है उच्च तापक्रम पर किसी जंतु के प्रसूति प्रसूति को क्या कहते हैं, तो एस्टिवेशन कहा जाता है। जैसे निम्न तापमान, जो कम तापमान जो होता है, कम तापमान पर होता है उसको हाइबरनेशन कहा जाता है, और ज़्यादा तापमान मतलब ऊंच तापमान पर होता है तो एस्टिवेशन कहा जाता है उसको। इसी तरह से निशंस प्राणी निम्न में कौन सा है, तो कछुआ को निशंस प्राणी के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है, तो घड़ियाल में, घड़ियाल में जो होता है अश्रु ग्रंथि नहीं पाया जाता है, मगरमच्छ में। इसके बाद है विषैले सर्पों में 20 ग्रंथियां परिवर्तित होती है लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से ही का ही प्रतिरूप होता है कौन, 20 ग्रंथि जो होता है सो सर्प में। इसके बाद सबसे विषैला सर्प कौन है, तो क्राइट, क्राइट, लेकिन इससे भी विषैला सर्प आता है, इसमें इसमें जितना है इसमें 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 सबसे विषैला सर्प क्राइट आता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, तो किंग कोबरा है, एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। डायनासोर निम्नलिखित में से क्या थे, तो लुप्त क्या है, तो डायनासोर अभी क्या है, लुप्त सरीसृप है, सरीसृप वर्ग था जो लुप्त हो चुका है। डायनासोर थे क्या थे, तो मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक यू के सरीसृप थे डायनासोर। इस तरह अब है पक्षियों की हड्डियों होती है, पक्षी की जो हड्डियाँ होती है कैसा होती है, तो वातिल माने खोखला होता है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच अभी सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी तो हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी जिसको कहा जाता है, गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड अभी तक सबसे छोटा पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, आर्कियोप्टेरिक तो जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है, जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, तो वही ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो है, जो सबसे बड़ा पक्षी है जो दूर दौड़ कस तेजी से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। पावो क्रिस्टेसस है, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर को, मोर को पावो क्रिस्टेसस कहा जाता है। निम्न में से किस पक्षी के दांत थे, दांत, दांत वाला पक्षी कौन था, तो आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स दांत वाला पक्षी था। इसके बाद डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो स्तनधारी वर्ग में आता है, डॉल्फिन जो है स्तनधारी वर्ग में आता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपाई कौन है, तो नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जो होता है सबसे सबसे विशाल जीवित स्तनपाई है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर है, तो व्हेल मछली है उसको 4 कोष्ठक है हृदय में। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आधुनिक मानव का होमो सेपियंस कहा जाता है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है, तो उसमें टेपियम लुसिडम के कारण, उसमें एक टेपिटम लुसिडम पाया जाता है, टेपिटम या टेपियम भी कहा जाता है, टेपिटम लुसिडम पाया जाता है जिसके कारण बिल्ली के या कुत्ता का या उस प्रजाति के जितने भी जीव है उसका रात में उसका आँख चमकते रहता है, किसके कारण, तो टेपिटम लुसिडम के कारण। इसके बाद अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है, ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता है, तो वह प्लेटिपस है, प्लेटिपस ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, नियत तापी प्राणी चमगादड़ है। स्तनपाई के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है, तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। स्तनपाई जितने भी स्तनपाई है उसके जो उत्सर्जनीय पदार्थ जो उत्सर्जन करता है, मूत्र जो निकलता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। मेढक के फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसा होता है, तो बाह्य होता है, मेढक का फर्टिलाइजेशन बाह्य प्रकृति का होता है, बाह्य तरह का होता है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए इसके बाद है मोचिति, जानवरों की एक जाति द्वारा दूसरी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए माचित किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ कौन है, तो फेरोमोन है।
कौन है? फेरामोन है। इसका रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन होता है। रक्त में जो प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है वह हेपेरिन होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो ह्वेल शार्क, जो ह्वेल शार्क कहा जाता है उसको। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? तो वातक तंत्र से करता है। अधिकांश कीट जो है श्वसन करता है वातक तंत्र से। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक की छोड़ने से मच्छरों की नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तो गैम्बूशिया, गैम्बूशिया को छोड़ने से मच्छर नियंत्रित होता है, मच्छरों की संख्या में कमी होता है। तो इस तरह से बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन था। फिर इससे आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।